भिलाई के सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में भिलाई निगम द्वारा बनाए जा रहे डोम शेड का निर्माण को रोकने के लिए पीएसपी कर्मचारी मंदिर पहुंचे, जहां महिलाओं एवं पंडितों के द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद समस्त हिंदू संगठनों के द्वारा सेक्टर 9 में पत्रकार वार्ता लेकर बीएसपी के द्वारा मारपीट का कड़ा विरोध किया गया और कहा गया कि शेड का निर्माण होकर ही रहेगा। वहां मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन के लिए भक्तों के लिए बन रहा डोम शेड बनाया जा रहा है। बीएसपी अधिकारियों ने जबरन इसे बनाने से रोक रखा है। उन्होंने कहा कि डोम शेड भिलाई निगम के द्वारा बनाया जा रहा है, जब बीएसपी के 300 से 400 लोगों द्वारा डोम शेड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। मैंने जाकर पूछा क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने सीधा गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट की। पंडित का कहना है कि कई सालों से हमने डोम शेड बनाने के लिए नगर निगम से मांग की थी, अब वह बन रहा है तो बीएसपी के आला अधिकारियों को तकलीफ हो रही है, बल्कि ये तो धर्म का काम होना चाहिए। आज की मैं आपको जो घटना हुआ है, आज घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। हम लोग, मैं और मेरा परिवार हर मंगलवार शनिवार को यहाँ आते हैं, मंदिर पैदल आते हैं स्मृति नगर से। रोज़ की तरह आज शनिवार था तो आज हम लोग यहाँ आए हुए थे, अपना पाठ पूजन पाठ करके यहीं बैठ के मैं इसी यहीं बरांडे में प्रसाद ग्रहण कर रहा था, जैसे अभी पकड़ा हुआ हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे मुझे ये बताया जाता है कि 200-300-400 लोग JCB-ACB के साथ, पूरा दल बल के साथ, जो मंदिर का डोम शेड का निर्माण का कार्य हो रहा है उसको तोड़ने के लिए खड़े हैं। मेरे को पहले इस बात का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये जो काम है नगर निगम के माध्यम से हो रहा है, कोई जन उसमें मदद नहीं हो रही है, नगर निगम के माध्यम से हो रहा है। मैं दौड़ते दौड़ते गया वहाँ, देखा तो बात सही, 300-400 लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, और जो डोम सेट जो थोड़ा बहुत बना है उसको ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग थी। हम गए अधिकारियों से पूछे कि भाई क्या बात है, क्यों तोड़ रहे हो, ये तो रामकाज का अच्छा काम होने जा रहा है भक्तों के लिए। तो इस विषय पर वहाँ उनकी तरफ से अभद्र तरीके से बात की गई मेरे से। मैंने उनका जवाब दिया, मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हैं, अच्छे से बात करें, भक्तों का काम है। तो धक्का मुक्की चालू कर दी, मारने का प्रयास किया नहीं, मारा ही है, वीडियोस में आप लोगों के पास आ ही गया होगा, उन्होंने हाथ उठाया है। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी आई बीच बचाव करने, क्योंकि हम दो ही लोग थे सिर्फ, वो 300-400 लोग, हम अकेले, वो रोकने आई, उसके ऊपर भी इन लोगों ने हाथ उठाया। 55 वर्षों से हम लोग यहाँ पर जन्मोत्सव में हनुमान जी का भंडारा करते हैं, और आज वहाँ पर बीएसपी के प्रबंधन द्वारा वहाँ पर अभद्रतापूर्वक डोम सेट को हटा नगर निगम बना रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी समय से मांग करके तो नगर निगम वो बना रहे थे, तो नगर निगम स्टेट ऑफिस के द्वारा वहाँ काफ़ी अभद्रता और उसको हटाने का प्रयास किया उन्होंने। इससे यही प्रार्थना है कि हनुमान जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें, उनका कल्याण हो, उनको उनके दिमाग में आया कि ये कार्य हम लोगों का नहीं है, पूरे समाज का, पूरे जितने हनुमान भक्त हैं सब सबके लिए ये कार्य है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।